आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। तो क्वेश्चन का मतलब है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं और इनमें कौन सा ऑप्शन डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक पार्ट नहीं है। तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर आरएनए। जो डीएनए का सीक्वेंस है जो आरएनए का कोड करता है, उस डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और ये इन्वॉल्व करता है एक प्रमोटर को। प्रमोटर मतलब इस साइड से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, ठीक है। तो जो डीएनए को बाइंड करने वाला पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए को सिंथेसिस करता है, वो प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद है ये पार्ट, ये जो है ये स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन मतलब ये एक्चुअल सीक्वेंस को कंसिस्ट करता है जो आरएनए को कोड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन में दो स्ट्रैंड्स है, एक डीएनए स्ट्रैंड जो 5' to 3' पोलैरिटी है और एक और इस 5' to 3' पोलैरिटी में ही पर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, और एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। जिस स्ट्रैंड की 3' डायरेक्शन में प्रमोटर प्रेजेंट है और 5' डायरेक्शन में टर्मिनेटर प्रेजेंट है, उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब इस स्ट्रैंड की कोड को लेकर उसकी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बनता है, वो है आरएनए स्ट्रैंड, या इसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बन के एक नया आरएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है, ठीक है। और जो भी स्ट्रैंड बचा है जिससे आरएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है, उसे कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन है। टर्मिनेटर रीजन मतलब क्या है? जब ये जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए पॉलीमरेज, जब ये टर्मिनेटर रीजन पर आएगा, तब आरएनए सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस चल रहा है वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब एंड हो जाता है इस रीजन पे। और इस प्रमोटर से टर्मिनेटर तक जो रीजन है उसे स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। अब हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है अ टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन में टर्मिनेटर है, तो ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी अ प्रमोटर, प्रमोटर भी स्ट्रक्चरल जीन में है, तो ये भी गलत है। या इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इंक्लूड्स टर्मिनेटर, और ट्रांसक्रिप्टर यूनिट प्रमोटर को भी इंक्लूड करता है। उसके बाद द स्ट्रक्चरल जीन, तो ये पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसे भी इंक्लूड करता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद है द इंड्यूजर, इंड्यूजर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये पार्ट नहीं, ये हमें मिलते हैं ओपेरॉन्स में। फॉर एग्जाम्पल लैक ओपेरॉन में हमें इंड्यूजर मिलता है, तो ये हुआ हमारा राइट आंसर, क्योंकि ये इंड्यूजर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।